हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें छोटी मोटी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिले। हम इसको फ्लाइटेड ट्रेड भी कह सकते हैं। और 114 के लेवल से स्टॉक जो है लगातार अप ट्रेंड में है, हमको यहाँ हायर हाई पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। और इस वक्त स्टॉक हम देख सकते हैं कि ऊपर की ओर ही सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि 124 का लेवल, यहाँ से हमको गिरावट नज़र आई थी और 114 के लेवल से सपोर्ट लेकर हमको बाउंस बैक करते हुए नज़र आया था और 134 तक के टारगेट देखने के लिए मिले थे। और हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, 114 के लेवल पे, 114 के लेवल से इसी लेवल से स्टॉक बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इसके टॉप की बात करें तो इसका टॉप यही है 134-135 का लेवल। अगर स्टॉक ऊपर की ओर इसी रेंज में सस्टेन होता है तो इसको भी ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन अभी बात की जाए सपोर्ट की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, ये जो है 124 का लेवल, इसका सपोर्ट जोन ही है 124 का लेवल, इसके सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। स्टॉक 124 तक की हमको गिरावट दिखा सकता है, 124 के लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग डे में 130 तक का भी हमको जम देखने के लिए मिले। 130 के लेवल से हमको इससे पहले भी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले थे। इससे पहले भी हम देख सकते हैं कि 124 के लेवल से हमको यहाँ तक के टारगेट देखने के लिए मिले थे। अभी इमीडिएट टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट रहेगा 130 का लेवल, हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा। हो सकता है कि एक दो दिन में 130 का लेवल हमको टेस्ट होता हुआ नज़र आ जाए। यहाँ से छोटा मोटा सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 130 का लेवल इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर 130 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में हमको 134 से लेके 140 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर 130 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर इस रेंज में हमको एंट्री नहीं लेनी है, इंतज़ार करना है फिर इसके ब्रेकआउट का, क्योंकि यहाँ से आगे हमको रिजेक्शन बता सकता है 134 के लेवल से।